इंदौर में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के खिलाफ प्रदर्शन के पहले ही मीडिया में चेहरा दिखाने की चाहत में कांग्रेसी नेता आपस में भिड़ गए। नौबत गाली गलौज तक आ गई। गाली गलौज से लेकर कॉलर पकड़ने तक पहुंच गए। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा वहां मौजूद थे। इंदौर में पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करने पहुंची। इस दौरान कांग्रेस नेताओं में मीडिया के सामने चेहरा चमकाने की होड़ मच गई। लिहाजा शहर उपाध्यक्ष बताए जाने वाले इम्तियाज बेलिम और कांग्रेस कार्यकर्ता मोहन मेहरा अपने नेता सज्जन सिंह वर्मा के सामने ही आपस में भिड़ गए और अपशब्द बोलने के साथ ही दोनों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ ली। और खास बात यह रही कि इस दौरान न ही कांग्रेसियों ने मास्क पहना और न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। बहरहाल जैसे तैसे अन्य कार्यकर्ताओं ने दोनों को अलग किया, तब माहौल शांत हुआ। इस स्थिति को देखकर आखिरकार सज्जन वर्मा को बोलना पड़ा कि कार्यक्रम के पहले ही आपस में झगड़ कर आप दोनों ने आंदोलन पूरा कर दिया, बहुत ही बढ़िया किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।